हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फूडी लांस। आज हम आपको लेके आए हैं रोनी सेक्टर 24 मोमोज वाले के यहाँ। यहाँ के मोमोज बहुत ही फेमस हैं और इनकी स्पेशलिटी ये है कि ये अपने मोमोज खुद बनाते हैं, खुद प्रिपेयर करते हैं। ये वेज और नॉन वेज दोनों तरह के मोमोज बनाते हैं। तो आइए आपको मिलवाते हैं यहाँ के ऑनर से और वही बताएंगे उनके यहाँ पे क्या वैरायटी है, क्या स्पेशलिटी है उनके मोमोज की। आइए आप अपने बारे में, अपने सेंटर के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ है। मेरे पास जो वैराइटीज हैं वो मोमोज की है। यहाँ पे हम प्रॉपरली मोमोज के ऊपर स्टडी कर रखे हैं, हमने मोमोज को यहाँ पर बनाया है। ठीक है, ठीक है, अच्छे से हम प्यार से खिलाएंगे कस्टमर के लिए। बेसिकली हमारे पास मोमोज के अंदर वेज, पनीर, चिकन में वैराइटीज हैं। फ्राई बनाते हैं, स्टीम्स करते हैं, ग्रेवी बनाते हैं, पैरी पैरी मसाला मोमोज हैं हमारे पास। कुरकुरे स्पेशल्स हैं हमारे, पिज्ज़ा मोमोज हैं, पनीर मोमोज हैं कुरकुरे के अंदर। मैं एक्चुअली ये लॉकडाउन के बाद से मैंने स्टार्टअप करा है। लॉकडाउन के बाद आपको पता है कि सर्कमस्टांस कैसे हो गए थे, पूरे वर्ल्ड वाइड के अंदर ही प्रॉब्लम्स आ गई थी। तो हम मैं जॉब करता था, रिमोट सर्विस एडवाइज़र था। तो वहाँ पे हमारी जो सैलरी थी वो 40-30% हमें ऐसे ही मिल रही थी। फिर उसके बाद जब कंपनी वालों ने एकदम ही हमें सबको कह दिया कि अब बस अब हम इससे ज़्यादा नहीं दे पाएंगे और आप अब अपना नेक्स्ट ईयर देख लीजिए, तो बहुत हमारा ब्रेकअप, पूरी फैमिली ख़राब हो गई थी। आप सीरियसली मानो कि बिल्कुल लॉकडाउन के बाद ना मैं परेशान हो गया था कि क्या करना है। तो मेरे एक बिग ब्रदर हैं, उन्होंने मेरे को थोड़ा सजेशन किया कि आप अपना छोटा सा स्टार्टअप करो। ये काउंटर थे, मैं 39 काउंटर लेके आया जिसको मैंने थोड़ा मेकअप करा और मेरे को बहुत सपोर्ट मिला कस्टमर की तरफ से, मेरे भाइयों की तरफ से, उन्होंने मेरे को हेल्प करी। मैंने छोटा सा स्टार्टअप स्टार्ट किया था, मैंने ओनली स्टीम मोमोज में बना के बेचना स्टार्ट करा था। आज मेरे पास भगवान की दुआ से हर वैरायटी का ऑलमोस्ट मोमोज की। मैम, कस्टमर रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया है, अच्छे से बनाते हैं, प्यार से मिलाते हैं, कस्टमरों को बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके, हमारे पास हैप्पी रहते हैं। मैम, 5:00 हमारा स्टार्टअप टाइम है, 10:00 हमारे पास लास्ट टाइम है। 5 to 10 रहते हैं हम यहाँ पे, 6 महीने हो गए हमें यहाँ पे लगाते हुए। 6 महीने से हमने स्टार्ट किया। डेली होता है मैम हमारा, बहुत सर्कम चांसेस में लास्ट होता है कि हमें कोई छुट्टी करनी पड़े, वैसे हमारा डेली ही रूटीन, डेली रूटीन होता है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको इन्होंने बताया कि डेली बैठते हैं 5 to 10, तो यानी 24 इनकी लोकेशन है। अभी मैं आपको एग्जैक्ट लोकेशन बताऊँगी और नीचे डिटेल्स में लोकेशन भी डालूंगी, इसलिए आप इजीली यहाँ पहुँच सकते हैं। मैं बताना चाहूँगी, जैसे लास्ट ईयर काफ़ी लोगों के लिए स्ट्रगल रहा, बहुत सारे लोगों की जॉब चले गई, तो उसी में से भैया के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ जिनसे इन्होंने लेकिन इस चीज़ को एज अ एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने इस चीज़ को लिया, लोगों की सजेशन ली, इनके फादर्स ने, ब्रदर्स ने इनको सपोर्ट किया और फिर ये मोमोज के बिजनेस में आए और 6 मंथ से यहाँ पे लगा रहे हैं। बहुत अच्छा चल रहा है, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, क्योंकि इनका टेस्ट बहुत अच्छा है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ इनके किस टाइप के। में देखते हैं ताकि कस्टमर को लगे कि यहाँ पे भी कुछ मिलता है। ऑर्डिनरी क्या होता है, होटल्स के अंदर मेन्यू तो भर जाता है बट क्या करते हैं, अच्छी चीज़ नहीं मिलती मेन्यू के अंदर।
तो हम यहाँ पे स्पेशलिटी के हम भाई इसको रैप करके रखते हैं ताकि वो डिस्प्ले में भी दिखने में भी अच्छा लगे, कस्टमर भी अट्रैक्ट होता है, हाइजीनिक फूड होता है, तो इसमें धूल मिट्टी वगैरह भी नहीं जाती, बिल्कुल शीन रैप करके हमने उसे रखा हुआ है। हमने यहाँ पे हमारे पास फ्रायर भी है, हम ये इलेक्ट्रिक फ्रायर में ही डिस्कस करते हैं। डेली में यूज ऑयल जो होता है वो हमारा डेली चेंज फ्रेश ऑयल होता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। एक बार मैं आपको इनका मेन्यू भी दिखाना चाहूँगी कि इनके पास क्या वैरायटी है। ये सामने मेन्यू लगा हुआ है, एक बार ही शो कीजिए मेन्यू। तो ये इनका मेन्यू है और आप एक बार आइए टेस्ट कीजिए। और लोकेशन ये एक बार आप ही लोकेशन गाइड कीजिए जो रोहिणी मेन कहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन में है। सेक्टर 24 का रोहिणी का 10 पॉकेट है, मोदक स्वीट्स यहाँ पे काफी मशहूर स्वीट्स शॉप है जी। ठीक है, उसी के हम फ्रेंड्स में लगाते हैं। ये हमारे भैया हैं सतेंद्र जी, इन्होंने हमें काफी सपोर्ट करा है इस चीज को लेके। थैंक यू सतेंद्र जी सपोर्ट करने के लिए। आप आइए जरूर खाइए। तो ये बेसिकली 23-24 की मेन रोड है। मेन रोड है, सेक्टर 23-24 का डिवाइडिंग रोड पड़ता है। और ये मोदक वाला स्वीट्स है, मोदक वाला स्वीट्स के बाहर बैठे हुए हैं। तो आप लोग आइए, पेमेंट कैसे आप लेते हैं? मैम पेमेंट मोड हमारा कैश चलता है, आप कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं कार्ड से ही हम ले लेते हैं, UPI भी लेते हैं, पेटीएम वॉलेट सब हम एक्सेप्ट करते हैं, कोई इशू नहीं है पेमेंट का। आप आइए, पेमेंट नहीं भी होगी तो कोई बात नहीं, हम आपको प्यार से वैसे ही खिलाएंगे सर। प्लीज अब तो आना बनता है, एक बार आइए, इन्हें एक बार सेवा का मौका दीजिए, इनको प्लीज मोटिवेट कीजिए। तो आप हमें क्या खिलाएंगे? मैं आपको अपनी स्पेशलिटी ही खिलाऊंगा जो बिल्कुल हमारे यहाँ की फेमस है, शीजा कुरकुरे और कुरकुरे पनीर। चलिए एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगी, जैसे बेसिकली लोग मोमोज में बताते हैं कितने पीसेज हैं, तो आपके यहाँ पे कितने पीसेज आते हैं स्टेट में? मैम जो हमारे स्टीम और फ्राइड और ग्रेवी मोमोज में 12 पीसेज रहते हैं फुल के अंदर, कुरकुरे फुल के अंदर हमारे 8 पीसेज रहते हैं, हाफ के अंदर हमारे कुरकुरे में 4 पीसेज रहते हैं, स्टीम फ्राई और ग्रेवी के अंदर हमारे 6 पीसेज रहते हैं। ठीक है, तो आप हमें अपनी दो तरह की स्पेशल टेस्ट करा दीजिए। और जैसे कि फ्रेंड्स आपको साइज हम ऑलरेडी दिखा चुके हैं, तो ऐसा नहीं है 12 पीसेज में छोटे पीसेज दे रहे हैं, बहुत अच्छे पीसेज दे रहे हैं, आप आराम से पेट भर के खा सकते हैं और इस फूड को एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए भैया आप हमें खिलाइए और कैसे मेकिंग करते हैं। मैम बहुत खिलाऊंगा कुरकुरे पनीर और कुरकुरे पिज्ज़ा। ये कुरकुरे पनीर और कुरकुरे पिज्ज़ा के अंदर हमारी स्टफिंग होती है चीज़ में होती है, अपनी कुरकुरे में चीज़, कॉर्न, कैप्सिकम, मोज़रेला और शेडेड हम चीज़ डालते हैं इसमें दो टाइप की। पनीर के अंदर हम पनीर और बहुत माइनर वेजिटेबल्स होते हैं। ठीक है, ऊपर कॉर्न होता है क्रिस्पी करने के लिए, इसको मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे बनते हैं। हम इसको फ्राई करेंगे, इसका 180 डिग्री टेम्परेचर के अंदर हम इसको फ्राई करेंगे ताकि ये बिल्कुल शैलो हो जाए और ईजी कुरकुरे रहें ना। इसके अंदर तेल भरेगा 180 डिग्री टेम्परेचर के अंदर और जो इसमें क्रिस्पीनेस आएगी वो एक अलग ही आपको स्वाद देगी इन चीज़ों के अंदर। फिर ना इसको ऑयल गर्म कर लिया है, अब ऑयल करके हम इसको फ्राई करेंगे एकदम प्रॉपर। फिर इसके अंदर फ्राई हो रहा होगा ये इसके 180 डिग्री टेम्परेचर में, तो प्रॉपर ये कुक्ड होएगा अंदर बाहर दोनों जगह से। 180 डिग्री टेम्परेचर में हम इसको इसलिए कुक करते हैं ताकि ना इसमें बर्न हो ना ऑयल भरे, एक बार प्रॉपर कुक्ड हो जाए अंदर बाहर दोनों जगह से। मैक्सिमम 2 मिनट्स लगते हैं इसको कुक करने के अंदर, 2 मिनट्स के अंदर ये दोनों अंदर और बाहर से दोनों जगह से ये प्रॉपर कुक्ड हो जाता है, जो मोज़रेला और शेडेड चीज़ होती है वो प्रॉपर मेल्ट हो जाती है इसके अंदर। आप जब आप इसको खाएंगे, जब आपको फील करेंगे तो इसके अंदर देखना मोज़रेला और शेडेड का क्या प्रॉपर कॉम्बिनेशन आएगा, जो आपको टेस्ट के साथ साथ एक अलग सा एक्सपीरियंस देगा, न्यू बिल्कुल न्यू एक्सपीरियंस मिलेगा आपको खाने के अंदर, बिल्कुल लाइक अ पिज़्ज़ा मोमो, प्रॉपर पिज़्ज़ा मोमो आपको फील आएगा इसके अंदर। हमने इसके अंदर कॉर्न डाल रखा है, वो जूसी कॉर्न का आपको एक अलग सा फ्लेवर आएगा, जूसी कॉर्न, प्रॉपर कॉर्न और मोज़रेला शेडेड का जो कॉम्बिनेशन है वो खाने में भी आपको एक अलग सा एक्सपीरियंस मिलेगा। ये एक हमने स्पेशलिटी पहले खुद बनाया और ख़ुद खा के हमने कई सारे बंदों से रिव्यू लिया है इसका, और उसके बाद हमने जब इसको मार्केट के अंदर हमने स्टार्ट करा तो इवन डेट कस्टमर के पास हमारे पास ऑलरेडी फ़ोन पे ही बुकिंग हो जाती है इससे, ये डिशेस कैसे हमारे पास ऑलरेडी डिशेज बुक करते रहते हैं, 5 प्लेट्स 10 प्लेट्स हमारे ले लो, ऑलरेडी हमारे पास घर के अंदर बर्थडे पार्टी नॉर्मल जो गैदरिंग होती है उसके अंदर कस्टमर हमारे से रॉ मटेरियल के यूज लिए लेके चले जाते हैं।
सर हम ऑलरेडी इसके अंदर स्टार्टअप के अंदर जब हमने करा था तो हम अब इसको सेल आउट करना हमारा पहला पर्पज़ था, इसको कस्टमरों तक सबको पहुँचाना, टेस्ट बनाना। उसके बाद कस्टमरों को जब टेस्ट इसके अंदर अच्छा लगना यूज़ हो गया तो अब हमारे पास कस्टमर जो होते हैं, हमें पार्टी के भी ऑर्डर्स आते हैं, बर्थडे के भी ऑर्डर आते हैं, किटी पार्टी के भी ऑर्डर आते हैं। मिनिमम 50-70 प्लेन्स का ऑर्डर हम एक्सेप्ट करते हैं कस्टमर के लिए, क्योंकि पूरा सेटअप लगाना पड़ता है वहाँ पे भी जाके। मिनिमम 50-70 प्लेट्स के अंदर हम आके कस्टमर को सेटिस्फेक्शन भी दे पाएँ, मटेरियल भी यूज़ कर पाएँ ताकि अच्छी क्वालिटी दे पाएँ कस्टमर को। तो हमारे मोमोज आ गए हैं, हमने हाफ हाफ प्लेट ही मंगवाए थे जिससे कि ज़्यादा फूड वेस्टेज नहीं हो। ये हमारे हैं पनीर मोमोज और एक है चीज़ पिज़्ज़ा मोमोज। ये इनकी दो तरह की चटनी है जैसे आप देख रहे हैं, ये एक ज़्यादा स्पाइसी जिन लोगों को पसंद है उनके लिए चटनी है, ये एक कम थोड़ी कम स्पाइसी चटनी है। तो आइए खाते हैं और टेस्ट करके बताते हैं आपको कि इनके मोमोज कैसे हैं। आपने देखी भी होगी कि किस तरीके से उन्होंने सर्व किया है। वाओ, ये देखिए इसमें कॉर्न पनीर चीज़ कितनी अच्छे से स्टफिंग की हुई है, देख के मुझे लग रहा है फटाफट से खा लूँ। पर मैं आपको इससे पहले दूसरा भी टेस्ट एक बार ही दिखाती हूँ, टेस्ट तो नहीं करा पाऊँगी आपको। ये है इनका दूसरा मोमोस। वाओ, ये है इनकी पनीर की स्टफिंग। ये देखिए ये पूरी पनीर की स्टफिंग की हुई है इन्होंने अच्छे तरीके से, और एकदम फ्रेश पनीर है। यूजुअली आप लोगों का एक्सपीरियंस पनीर के साथ शायद अच्छा नहीं रहता होगा, क्योंकि पनीर लोग थोड़ा सा पुराना सब यूज़ करते हैं, बट ये देखिए एकदम फ्रेश पनीर है। आप आइए और विजिट कीजिए एक बारी। और हाँ, इन बिटवीन में आपको ये बताना चाहूँगी कि भैया आप लोग एक बहुत ही बढ़िया ऑफर लेके आए हैं सिर्फ आपके लिए जो ये वीडियोस देख रहे हैं, तो एंड तक बने रहिए। एंड में भैया से ही पूछवा के आपको बताऊँगी, वही आपको बताएंगे कि क्या उनके ऑफर हैं आप लोगों के लिए। तो अभी हम टेस्ट करते हैं और फिर मैं आपको लास्ट में भैया के पास लेके चलती हूँ और वो आपको बताएंगे क्या ऑफर है। मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ खाने से। तो फ्रेंड्स पैक कीजिए अपने उन फ्रेंड्स को, कजन्स को, रिलेटिव्स को जो मोमोज लवर हैं, और यहाँ पर उनको लेके आइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा उन फ्रेंड्स के साथ जिन्हें मोमोज पसंद है, और विजिट कीजिए शॉप पे। तो आइए, वो टाइम आ गया जिसमें हम आपके लिए ऑफर लेके आए हैं। जो ये वीडियो देख के, इस वीडियो के थ्रू, हमारे चैनल का नाम है फूडी लांच, इस वीडियो को देख के जो भैया के पास आएगा उनके लिए एक बहुत ही बढ़िया ऑफर है, शानदार ऑफर है। तो आइए भैया से ही बात कराते हैं इस ऑफर के बारे में। तो बताइए भैया, हमारे जो कस्टमर्स आएंगे, आपके कस्टमर व्यूअर्स जो इस वीडियो को देख के आएंगे, उनके लिए क्या ऑफर देंगे आप? मैम, आपके चैनल के थ्रू जो भी कस्टमर मेरे पास आते हैं, कस्टमर को बहुत अच्छी ऑफर देता है। 199 में पर पर्सन, ओनली 199 में पर पर्सन अनलिमिटेड मोमोज है, बट उसके लिए उसको कार में बैठ के सर्व नहीं हो पाएगा, ओनली 1% के लिए ही है ये, ना 2% की शेयरिंग है। तो क्लियर है 199 में अनलिमिटेड स्टीम मोमोज ऑफर नंबर 1, जिसके लिए पर पर्सन में वैलिड हो गई स्टीम, और वो कार में सर्व नहीं किया जाएगा। उनके अपने रीजंस हैं, तो आपको बाहर आके खाना पड़ेगा, और 199 में अनलिमिटेड मोमोज है। और बताइए अगर आप हमारे पास आके शेयर भी करना चाहते हैं तो उसके अंदर हम 500 शेयरिंग कर देंगे अनलिमिटेड। वेरी नाइस। तो आइए विजिट कीजिए मोमोज लवर्स, और यहाँ पे आके एक बार इनके मोमोज ट्राई कीजिए। अब तो ऑफर्स भी आपके सामने आएंगे, बढ़िया डील आपको कहीं भी मिलेगी। और एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगी आपसे, आप ऑनलाइन डिलीवरी भी करवाते हैं? मैम, हम ऑनलाइन डिलीवरी भी कराते हैं, स्विगी के ऊपर हम अटैच हैं पसंदीदा मोमोज के नाम से। आप सर्च करेंगे पसंदीदा मोमोज ऊपर आपको लवर के नाम से आने का। तो बस अड्डा स्विगी पे अवेलेबल है, ऑनलाइन जाइए ऑर्डर कीजिए, होम डिलीवरी भी है। और एक बार मैं आपको लोकेशन फिर से बताना चाहूँगी, ये मोदक वाला है सामने, मोदक वाला इनके बिल्कुल सामने ही बैठे हुए हैं भैया। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो आई होप पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि न्यू वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। कमेंट सेक्शन में
बताइएगा कि हमें ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर आप यहाँ विजिट करती है तो अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा कि इनके मोमोज आपको कैसे लगे। थैंक यू सो मच, सी यू सून।